इन लोगों ने 5 महीने मेरे को जेल में डाल दिया, आपको पता होगा। जेल से छूट के मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता, और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, दोबारा वोट दोगे तभी कुर्सी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम को। मेरा कसूर क्या था? 10 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली में सरकार चलाई। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे देश में 2 राज्य हैं बस जहां बिजली फ्री में मिलती है और 24 घंटे मिलती है, दिल्ली और पंजाब। मैं आपसे पूछ, और सबसे महंगी बिजली कहां मिलती है? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, जहां जहां इनकी सरकारें हैं बीजेपी की, वहां वहां सबसे महंगी बिजली है। सस्ती बिजली देने वाला, फ्री बिजली देने वाला चोर है कि महंगी बिजली देने वाला चोर है? 10 साल मैंने दिल्ली के अंदर अच्छे शानदार स्कूल बनाए, शिक्षा माफिया का खात्मा किया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लोगों के लिए अच्छी सड़कें बनाई, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए। कहते हैं केजरीवाल चोर है। इन्होंने मेरे को एक फर्जी केस करके, ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं, इनका मकसद था केजरीवाल पे कीचड़ फेंको, केजरीवाल पे लांछन लगाओ, केजरीवाल को जेल भेज दो तो जनता को लगेगा कुछ करा होगा केजरीवाल ने। आज मैं निकल के जब आया जेल से, पूरी दिल्ली वाले कह रहे हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता, और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, दोबारा वोट दोगे तभी कुर्सी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम को। इन्होंने जेल में मेरे को तोड़ने की कोशिश करी, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाइयां बंद कर दी। बताओ, शुगर का मरीज हूं मैं, इंसुलिन लेता हूं, इंसुलिन बंद कर दिया इन लोगों ने, मेरी किडनी खराब हो जाती, हमको कोर्ट जाके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी केजरीवाल को इंसुलिन दो। मेरी दवाइयां बंद कर दी तरह तरह से, मानसिक तरीके से, तरह तरह से इन्होंने, ये मेरे को तोड़ना चाहते थे। बार बार कहते थे भाजपा में आ जाओ, एनडीए में आ जाओ, भाजपा में। इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं है? हरियाणा का हूं मैं, टूटा नहीं। 5 महीने बाद जेल से छूट के आपके बीच में आ रहा हूं, और मुझे फक्र है कि मैं हरियाणा का छोरा हूं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से पढ़ लिख के निकलने के बाद आपके लड़के ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली, और आज दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, आजादी के बाद 75 साल में किसी पार्टी की सरकार ने उस किस्म के काम नहीं किए। 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री बिजली कर दी, आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी भी बिजली, ये पार्टियां नहीं करने वाली, आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। आपके लिए शानदार मोहल्ला, जो भी सरकार बनेगी उससे मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आपकी बिजली फ्री कराना, बिजली फ्री करा दूंगा जैसे दिल्ली में कराई। आपके लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक, आपके घर में कोई इलाज
कोई बीमार होएगा, इलाज की चिंता मत करना, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सारे काम करेंगे जो दिल्ली और पंजाब में करे। और हाथ कंगन को कार से, पंजाब तो यही है, बगल में है, जाके पूछ लेना। दिल्ली में आपके रिश्तेदार होंगे, फोन करके पूछ लेना, बिजली फ्री है क्या, दवाइयां फ्री मिलती हैं क्या, अस्पताल अच्छे हैं क्या, पूछ लेना फोन। स्कूल कैसे, देख के आओ पहले दिल्ली के स्कूल, फिर मेरे को वोट देना। मेरे को वोट तभी देना जब स्कूल देख के आओ दिल्ली वाले, तभी मेरे को वोट देना। और सबसे जरूरी तो है, डबवाली के ऊपर एक परिवार का कब्जा हो गया है कि नहीं है, एक परिवार ने कब्जा कर लिया, उसी परिवार का बेटा इस पार्टी से भी टिकट, दूसरा बेटा इस पार्टी से टिकट, तीसरा बेटा इस पार्टी से टिकट, जिसको मर्जी वोट दे दो टिकट नहीं जाएगी, सीट तो इनके, उससे मुक्ति की नहीं चाहिए, मुक्ति दिलाएंगे कुलदीप भाई साहब, कुलदीप भाई साहब मुक्ति दिलाएंगे, उस परिवार से मुक्ति चाहिए, उस परिवार से मुक्ति चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, इस बार कुलदीप जी को भारी मतों से ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच में रहता हो। कुलदीप जी यहीं के पहले स्टूडेंट लीडर रहे, फिर सरपंच रहे, फिर ब्लॉक समिति के लीडर रहे, फिर जिला परिषद में मेंबर रहे, आप ही के बीच में समाज सेवा करते हैं, आपके बीच में कोई इनके घर चला जाए रात को 2 बजे चला जाए, ये आपके साथ उठ के चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते। ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच का हो, ऐसे को क्यों देते हो जो उनके बाप भी दादे भी पड़दादे भी राजनीति में थे, अब वो उनको कोई सेवा सेवा भाव थोड़ी है उन लोगों के बने में उनके, तो ऐसे आदमी को वोट दो जो ना आपका आदमी हो, आपके बीच में से आया हो। मैं तो बस यही कहूंगा भाई, आपके बीच के आदमी को वोट देना। और आम आदमी पार्टी की जितनी सीटें आएंगी, जितनी ताकत बढ़ेगी, जो भी सरकार आएगी उससे काम करा के लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी।